अयोध्या लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में और आपको बताएंगे कौन कौन से नक्षत्र गंडमूल के होते हैं, गंडमूल के किस नक्षत्र में जन्म लेने वाला बच्चा किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं जिनको 12 राशियों में विभाजित किया गया है। प्राचीन काल से ही नक्षत्र का प्रयोग होता आ रहा है, वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। इन 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र तो बहुत शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। 27 नक्षत्र में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे कुछ शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों का गंडमूल शांति जरूर कराना चाहिए, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। गंडमूल नक्षत्र की शांति उसी नक्षत्र में कराना चाहिए जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गंडमूल नक्षत्र होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला गंडमूल नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा अश्लेषा, तीसरा मघा, चौथा ज्येष्ठा, पांचवा मूल और छठा रेवती नक्षत्र। ये 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र हैं। इसमें जन्म लेने वाले बच्चों को गंडमूल दोष लगता है। तो आइए अब जानते हैं किस गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला बच्चा किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ रहता है। हर गंडमूल नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, चारों के अलग अलग फलादेश होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गंडमूल नक्षत्र के सबसे पहले यानी अश्विनी नक्षत्र के बारे में। यदि बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हो तो पिता के लिए कष्टकारी होता है, दूसरे चरण में जन्म हो तो सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तीसरे चरण में जन्म हो तो सरकार से लाभ तथा मंत्री पद का लाभ प्राप्त होता है, चौथे चरण में जन्म हो तो राज सम्मान की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं गंडमूल नक्षत्र के दूसरे नक्षत्र यानी अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। यदि किसी बालक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो बच्चे को शांति और सुख प्राप्त होता है, यदि दूसरे चरण में जन्म हो तो धन का नाश, भाई बहन को कष्ट प्राप्त होता है, यदि तीसरे चरण में जन्म हो तो माता के लिए कष्टकारी होता है, यदि चौथे चरण में जन्म हो तो पिता के लिए कष्टकारी तथा आर्थिक हानि प्राप्त होती है। अब जानते हैं गंडमूल नक्षत्र के तीसरा नक्षत्र यानी मघा नक्षत्र के बारे में। यदि किसी बालक का जन्म मघा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो बालक अपनी माता के लिए कष्टकारी होता है, दूसरे चरण में जन्म हो तो पिता को कष्ट तथा हानि होती है, तीसरे चरण में जन्म लेने वाले बालक को सुख समृद्धि प्राप्त होती है, चौथे चरण में जन्म लेने वाला बालक धनी तथा विद्वान होता है। अब जानते हैं गंडमूल नक्षत्र के नक्षत्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। यदि किसी बालक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो बालक अपने बड़े भाई के लिए कष्टकारी होता है, दूसरे चरण में जन्म हो तो बालक छोटे भाई के लिए कष्टकारी होता है, तीसरे चरण में जन्म हो तो बालक माता के लिए कष्टकारी होता है और चौथे चरण में जन्म हो तो वह स्वयं के लिए नाशकारी होता है। अब जानते हैं गंडमूल नक्षत्र के पांचवें नक्षत्र यानी मूल नक्षत्र के बारे में। यदि किसी बालक का जन्म मूल नक्षत्र के पहले चरण में हो तो पिता के जीवन के लिए घातक होता है, यदि दूसरे चरण में जन्म हो तो माता के लिए अशुभ तथा कष्टकारी होगा, यदि तीसरे चरण में जन्म हो तो धन का नाश करेगा, यदि चौथे चरण में जन्म हो तो सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं गंडमूल नक्षत्र के छठे नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र के बारे में। यह गंडमूल नक्षत्र का सबसे अंतिम नक्षत्र है। यदि किसी बालक का जन्म रेवती नक्षत्र के पहले चरण में हो तो उसको राज सम्मान और सुख प्राप्त होता है, यदि दूसरे चरण में जन्म हो तो नौकरी में उच्च पद तथा मंत्री पद की प्राप्ति होती है, तीसरे चरण में जन्म हो तो धन संपत्ति का सुख प्राप्त होता है, यदि चौथे चरण में जन्म हो तो स्वयं के लिए कष्टकारी होता है और अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। ये थे गंडमूल नक्षत्र के फलादेश। जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ हो उस नक्षत्र से संबंधित देवता की पूजा करानी चाहिए, तुलादान कराना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, विधिवत नक्षत्र की शांति करानी चाहिए, इससे नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है। गंडमूल नक्षत्र कोई भी हो, हर गंडमूल नक्षत्र की शांति करानी बहुत जरूरी होती है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। गंडमूल नक्षत्र की शांति उसी नक्षत्र में कराएं जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ हो।
यदि आप इस वर्ष के गंडमूल नक्षत्र के शुरू और समाप्ति काल के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, आनंद में रहें, भगवान का भजन करते रहें। जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, आगे से आगे शेयर करें। आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।